प्रदेश सरकार की ओर से किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर हरियाणा की सियासत गर्मा गई है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के किसानों के कर्ज माफ करने की मांग की है। यूपी में किसानों के कर्ज माफी के फैसले ने दूसरे राज्यों में भी किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा दी है। उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी का फैसला लिया गया तो हरियाणा में भी सियासत ने जोर पकड़ लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र और सरकार को निशाने पर ले लिया। उनका कहना है कि हरियाणा के किसान भी मेहनत करके देश की जनता का पेट भरते हैं, ऐसे में केंद्र को हरियाणा के किसानों का कर्ज भी माफ करना चाहिए। साथ ही इसराइल के मुद्दे पर उन्होंने हरियाणा के सभी दलों से सियासत से ऊपर उठने की अपील की। ये दौरा पैमाना क्यों है? क्या हरियाणा के किसान किसान नहीं है? हरियाणा का किसान पूरे देश का पेट नहीं पाल रहा? पंजाब हरियाणा का किसान पूरा देश का पेट पालने का कार्य कर रहा है। और वायदा किया था इन्होंने कि हम स्वामीनाथन लागू करेंगे, किसान को कर्जे की मुक्ति दिलाएंगे। आज मुक्ति तो छोड़ो, किसान को इस हालात में छोड़ दिया है, बर्बादी के कगार पे। पंजाब या हरियाणा सरकार का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहर के खोदने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार पे छोड़ी। हरियाणा को इसका जो है कुठाराघात हो रहा है तो उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए और केंद्र सरकार को अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। मेरा एक ही आग्रह है, चाहे वो भाजपा है हरियाणा में, चाहे इनेलो है, चाहे बीएसपी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र पर दबाव बनाना चाहिए। इस दौरान केजरीवाल मानहानि केस की फीस के मामले को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केजरीवाल को केस की फीस खुद भरनी चाहिए। तो हाईवे से शराब के ठेके बंद करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले कि इसके लिए सरकार को कोई हल निकालना चाहिए। जो केजरीवाल जी ने लिखा है ये मेरे ख्याल में जो एलजी ने एडवर्टीजमेंट के लिए आप पार्टी पर जो कहा भाई आप भरना चाहिए उसका जवाब दे रहे हैं, नहीं तो कोई औचित्य नहीं बनता। अगर व्यक्तिगत है कोई बात तो व्यक्तिगत अपना भरे। मानो अरुण जेटली जी ने किया तो अरुण जेटली जी अपना व्यक्तिगत फीस देंगे, केजरीवाल जी ने किया तो केजरीवाल जी अपना व्यक्तिगत फीस देंगे, वकीलों का खर्चा देंगे। देखिए कुछ ना कुछ तो इस बारे में विचार करना होगा। इस तरह महाराष्ट्र ने तो जो स्टेट हाईवे ही मतलब वो कर दी, डीनोटिफाई कर दिए। तो इस किस्म से कई इस किस्म के होटल हैं या रेस्टोरेंट हैं जिन धंधा है जो नुकसान नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में कोई ना कोई विचार सरकार को करना चाहिए। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में किसान कर्ज माफी के बहाने विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले वीरभद्र सिंह कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी मिले। ईडी और सीबीआई की तरफ से कसते शिकंजे को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा है। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोहरे झटके का सामना कर रहे हिमाचल के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात की। वीरभद्र सिंह और राहुल गांधी के बीच 45 मिनट तक मुलाकात चली। बताया जा रहा है कि इस दौरान सूबे में कांग्रेस संगठन आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले पर भी बातचीत हुई, जिसे लेकर वीरभद्र सिंह का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां वित्त मंत्री अरुण जेटली के दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया। और जितनी भी हमारी एजेंसीज है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो भारी दबाव के अंदर है श्री अरुण जेटली के, और एक किस्म से वो मेरे खिलाफ प्रतिशोध की तरह इधर है। वीरभद्र सिंह का दावा है कि सीबीआई ने सिर्फ आरोप पत्र दायर किया है, वो दोषी साबित नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। गैर कानूनी काम नहीं किया है और मुझे राजनीति में 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं,
कभी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई है और ये पहली दफ़ा हुआ है। और जो मेरे ऊपर जो है मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ऊपर कीचड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। वीरभद्र सिंह ने साफ किया है कि उन पर आरोप साबित नहीं हुए हैं और वो कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। कैमरामैन डेविड के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सीबीआई और ईडी के अपने खिलाफ कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। अपना इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन पर अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, साबित नहीं हुए हैं। सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी से पूछा है कि उनका इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी कौन होती है। वीरभद्र सिंह ने कहा है कि इस्तीफा देने वाली कोई बात है ही नहीं। वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दायर चार्जशीट और ईडी की कार्रवाई को हिमाचल बीजेपी उनके खिलाफ आधार बना रही है। जब से दिल्ली हाई कोर्ट ने वीरभद्र सिंह की याचिका खारिज की है, उसी दिन से बीजेपी हिमाचल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रही है, जिसका जवाब वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में दिया। मुख्यमंत्री ने दो टूक कह दिया कि बीजेपी के कहने पर इस्तीफा नहीं देंगे और बीजेपी को उनसे इस्तीफा मांगने का कोई हक नहीं है क्योंकि उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुआ है। क्यों दूंगा मैं? Let them prove my guilt. I'm innocent till my guilt is proved. चालान तो कोई चीज नहीं है ना, वो तो आरोप है। जनता में जाना पड़ेगा और जनता अपनी मर्जी की सरकार चुने, लोकतंत्र की ये आज आवश्यकता है, लोकतंत्र की ये नियति भी यही कहती है। तुरंत ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए और विधानसभा भंग होकर के नए चुनाव होने चाहिए, नया जनादेश हो और जनता अपनी मर्जी की सरकार चुने। वीरभद्र सिंह ने सूबे में आगामी विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हालिया घटनाओं के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं। ये जो मशीनें हैं ये एक कंट्रोवर्सी में आ गई है और आज सारे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं ये चर्चा का विषय बन गया है। और पहले मैं भी समझता था कि जो ये जो वोटिंग मशीन्स हैं ये फूल प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, मगर अब जो बातें हो रही हैं, जो कुछ इसकी बात चर्चा हो रही है, ये लगता है कि वो मशीनें भी मैनिपुलेट की जा सकती है। सीएम वीरभद्र सिंह ने बीजेपी को दो टूक जवाब दिया है, लेकिन बीजेपी वीरभद्र सिंह को नैतिकता का ख्याल रखने की नसीहत दे रही है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में फी हाइक का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। हक की लड़ाई के लिए नारेबाजी और प्रदर्शन के बीच सेक्टर 11 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की छात्राओं ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए। पंजाब यूनिवर्सिटी में फी हाइक का मुद्दा इतना गर्मा गया है कि आप देखिए कैसे गर्ल्स कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। नारेबाजी और पुलिस के साथ हाथापाई की ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां फीस हाइक के मुद्दे पर छात्रों का गुस्सा उबाल मार रहा है। सेक्टर 11 स्थित सरकारी गर्ल्स कॉलेज में इस मुद्दे को और ज्यादा तूल तब मिला जब इस प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्राओं ने पुलिस पर शांत प्रदर्शन में खलल और लड़कियों के साथ हाथापाई करने के आरोप लगाए, जिसका पुलिस ने खंडन किया। जो लड़कियां हैं यहाँ पे उनका कहना है कि जो फीस है उसको रोल बैक किया जाए और कहीं ना कहीं इन्होंने चंडीगढ़ पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने प्रदर्शन के जरिए इनके साथ बदसलूकी की, इनके कपड़े फाड़े, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जो फी हाई का मुद्दा है वो बढ़ता जा रहा है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि डीएसपी रामगोपाल ने ऐसी किसी भी बात से इनकार कर दिया। पुलिस ने कोई बदसलूकी नहीं की है, इस तरह की कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चों को जो इस तरह का इशू है ये अपना इशू इसको बनाना चाहते हैं कि इनकी फी हाइक हुई है। छात्राओं के प्रदर्शन में कुछ छात्रों ने भी उनका साथ दिया, हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि पीयू प्रशासन ने हाल ही में फंड की कमी का हवाला देते हुए फीस बढ़ोतरी का कदम उठाया है, जिसके चलते छात्रों में नाराजगी है।
दबाया नहीं जा सकता। स्टूडेंट लड़ेगा, अंत तक लड़ेगा, वो चाहे जहां तक भाग ले। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जारी है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन लड़ा था, सभी स्टूडेंट लड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में फी हाई के कारण सिर्फ यूनिवर्सिटी ही नहीं बल्कि जितने भी एडेड कॉलेजेस हैं वहां के बच्चे भी प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से वो विरोध जता रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ नितिका महेश, जी मीडिया, चंडीगढ़। फरीदाबाद में शराब के ठेके को बंद करवाने की मांग को लेकर महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और ठेकों पर पत्थर बरसाए। शराब के ठेकों के खिलाफ महिलाओं के गुस्से का ट्रेलर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में आजकल महिलाएं लगातार शराब के ठेकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां सैकड़ों महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर शराब के ठेकों के विरोध में उतर आईं और एक एक कर ठेके बंद करवाने शुरू कर दिए। इस दौरान उन्होंने ठेकों पर पत्थर बरसाए, ठेकों के बाहर लगे पोस्टर फाड़े और जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद एक एक कर तीन ठेके बंद करा दिए गए। और सारी बहनें हमारे मिलकर इसका विरोध कर रही हैं कि जितना भी दारू के ठेके खुले हुए हैं, मेरी गली के सामने भी दारू का ठेका खुला है अभी कल परसों, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जो युवा बच्चे हैं वो अच्छे बने, ताकतवर बने और इस शराब को पी करके अपने शरीर को खराब ना करें। इसलिए आए दारू का ठेका बंद होना चाहिए। हमारा बेटा फांसी पे लटक गया दारू पी के, हमारा आदमी दारू पीता है, मारता है, पीटता है, घर में राशन नहीं लाता। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि आसपास के इलाकों में शराब के ठेके होने से माहौल खराब होता है, उनके पतियों की कमाई कम है और उसमें भी वो आधी कमाई शराब में लुटा देते हैं। ऐसे में वो सरकार से लगातार शराब के ठेके बंद कराने की मांग कर रही हैं। स्वच्छ समृद्ध संस्कारवान भारत का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बस्तियों के बीच में ठेके खोले जा रहे हैं, हम कैसा भारत का निर्माण करेंगे आप ही बताइए। हम नहीं चाहते कि हमारी बस्तियों के बीच में ठेके खुले, उनको खोलना तो आउट एरिया में चले जाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में भी महिलाओं ने कई शराब के ठेकों पर तोड़फोड़ कर नाराजगी जाहिर की है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। गुरुग्राम में बैंक लूटने वाले लुटेरों का डटकर मुकाबला करने वाली दोनों बहादुर महिलाओं को सम्मानित किया गया और साथ ही दोनों को 15 अगस्त को भी सम्मानित करने की योजना है। महिलाओं ने बदमाशों से हाथापाई के दौरान बंदूक छीन ली थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बदमाशों की जमकर धुनाई की थी। गुरुग्राम के बादशाहपुर में हथियारबंद बदमाशों से दो दो हाथ करने वाली एसबीआई महिला कर्मियों को गुरुग्राम पुलिस ने सम्मानित किया है। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने दोनों महिलाओं को प्रशंसा पत्र और 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया। इसके अलावा 15 अगस्त को भी दोनों महिलाओं का सम्मान किए जाने का आश्वासन दिया है। 15 अगस्त दोनों महिलाओं को हम उनका निमंत्रण करेंगे कि वो आए और महिलाओं को और लोगों को अपनी प्रेरणा दें। इस मौके पर बिमला और पूनम ने समाज से अपील की है कि बदमाशों से डरने के बजाय उनका डटकर मुकाबला करें। तो ये मैसेज देना चाहेंगे कि सबको मुकाबला करना चाहिए, डर के नहीं बैठना चाहिए। मरना तो है ही, क्यों ना अपना बहादुरी का काम करें, देश के लिए जो नाम हो, मरना तो जब भी एक बार तो सबको ही डर लगता है, ये जैन समोरत फिर भी पर हिम्मत तो दिखानी पड़े थोड़ी सी, क्या करें। विमला पूनम का कहना है कि उन्हें डर तो लग रहा था लेकिन जान जोखिम में डालकर बदमाशों को उनकी औकात याद दिला दी। गुरुग्राम से आलोक उपाध्याय, जी मीडिया। इंडिया अब डिजिटल हो रहा है और इसी राह पर अब हर सिक यानी कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी निकला है। किसान मुआवजा पाने के लिए दर बदर भटकते रहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द मुआवजा नहीं मिल पाता है, लेकिन सरकार जियो टैगिंग तकनीक पे काम कर रही है, जिससे इस तकनीक की सहायता से किसानों को मुआवजा मिलने में काफी आसानी होगी। देश अब डिजिटाइजेशन की राह पर आगे बढ़ रहा है। हर जगह काम को आसान और सटीक तौर पर करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी राह पर चल रहा है हरसेक यानी हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। आजकल हरसेक गिरदावरी के लिए जियो टैगिंग तकनीक के इस्तेमाल पर काम कर रहा है।
जिससे गिरदावरी न सिर्फ कम वक्त में हो पाएगी बल्कि इसमें पारदर्शिता भी आएगी। ये अगर हमारी पूरी हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा, जियो टैगिंग तकनीक यूज करके अगर फील्ड में किसी तरह का डैमेज हुआ है उस डैमेज को आराम से आप एसेस कर सकते हैं। बेसिकली नंगल के पास हिमाचल प्रदेश रोडवेज की बस ट्रक से भिड़ गई। हादसे में बस में सवार एक यात्री की मौत हो गई। आरोप है कि ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था, जिसके चलते यात्री इसका विरोध भी कर रहे थे। श्री अनंतपुर साहिब में नंगल के पास एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। दड़ौली गांव के पास हिमाचल रोडवेज की एक बस और एक ट्रक की इतनी जोरदार टक्कर हुई कि ट्रक के तो परखच्चे उड़ गए, वहीं बस को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। हादसे में एक बस यात्री की मौके पर ही मौत हो गई जबकि करीब 15 लोग घायल हो गए, जिन्हें नंगल के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नंगल तो 9 किलोमीटर अगे दसया कर दे, सन तो पिंड दा भी ना पता यार। पजल का केक होनहार दिव्यांग खिलाड़ी को कई सालों से सरकार की मदद का इंतजार है और जब सूबे में नई सरकार ने सत्ता संभाली तो ऐसे में संजीव की धूमिल उम्मीद एक बार फिर से जगने लगी। देश विदेश में 15 गोल्ड मेडल जीत चुके दिव्यांग संजीव कुमार की उम्मीदें नई सरकार पर टिकी। एक होनहार खिलाड़ी की तरक्की सिर्फ इस बात से हो कि उसे एक मेडल जीता तो क्या उस खिलाड़ी की मेहनत कोई मायने नहीं रखती? मिलिए इनसे। ये है फाजिलका जिले के तेलुपुरा गांव के रहने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी संजीव कुमार। ये संजीव की कड़ी मेहनत ही है जिसने उनकी विकलांगता को उनकी तरक्की का रोड़ा नहीं बनने दिया। दिव्यांग संजीव कुमार कई बार अपनी मेहनत और खेल का लोहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवा चुके हैं। उनके घर पर रखे इन मेडलों की गिनती इस बात का सबूत है कि संजीव कुमार की मेहनत में कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने हैरान करने वाला बयान दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अब्दुल्ला इससे पहले भी विवादित बयान देते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने हैरान करने वाला बयान दिया है। फारूक ने कश्मीर के पत्थरबाजों का समर्थन किया है। श्रीनगर सीट से चुनाव जीत कर लोकसभा पहुंचने की कोशिश कर रहे फारूक अब्दुल्ला ने एक चुनावी रैली में पत्थरबाजों के समर्थन में खुलकर बयान दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पत्थरबाज भूखे रह लेंगे लेकिन देश के लिए पथराव करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि पत्थरबाज का पर्यटन से कोई लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि फारूक चुनाव जीतने के लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। वहीं पाकिस्तान ने 3 दिन में आज चौथी बार बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। इससे पहले मंगलवार को पाकिस्तान ने राजौरी के भिंबर गली सेक्टर में भारतीय चौकियों पर फायरिंग की थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने आज सुबह करीब 9 बजे जम्मू में पुंछ के दिगबार सेक्टर में भारी गोलीबारी की। पाकिस्तान की ओर से लगातार तीसरे दिन भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे गए। कई मोर्टार बॉर्डर से सटे गांव को भी निशाना बनाकर दागे गए। बीएसएफ पाकिस्तानी गोलाबारी का करारा जवाब दे रही है। अंदेशा है कि पाकिस्तान की कोशिश गोलाबारी की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराने की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 9 गोलियां खाने वाले सीआरपीएफ के कमांडर चेतन चीता ने मौत को हरा दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ 9 गोलियां खाने वाले सीआरपीएफ के कमांडेंट चेतन चीता ने मौत को हरा दिया है। चेतन को आज एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया। ऐसे ही दिलेर जाबाजों की दिलेरी के दम पर देश आतंकवाद से लड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 9 गोलियां लगने के बाद चेतन चीता को 14 फरवरी को एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। और अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मौसम के हाल के साथ। पहाड़ों पर बारिश और दिल्ली एनसीआर में मौसम के बदले रुख ने मैदानी शहरों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरा दिया है। चंडीगढ़ में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं हिसार का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जबकि दिल्ली का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और गुरुग्राम का भी 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बीते दिनों के मुकाबले 4 से 5 डिग्री तक कम है। पंजाब की बात करें तो पटियाला और भटिंडा का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। अमृतसर और लुधियाना का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं हिमाचल के मनाली में आज का अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शिमला का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं धर्मशाला का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बारिश का सबसे ज्यादा असर पहाड़ी शहरों के तापमान पर देखने को मिला है, जहां सीधे 10 डिग्री तक तापमान गिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मंजूर पठान, जी मीडिया।